प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। हो सकता है ये स्टोरी आप सभी ने किसी वीडियो में, किसी की जुबान से या कहीं आप लोगों ने और पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के पीछे का जो मैसेज है, जो मैसेज छुपा हुआ है, इसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक चीज बात घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ये इस कहानी को, ये स्टोरी को आपके साथ शेयर करूं। तो फाइनली प्यारे दोस्तों, आज मैं ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। ये स्टोरी एक ऐसे पर्सन की है जो अपने टैलेंट के ऊपर, जो अपने दिमाग से, जो अपने हुनर से किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकता था। अब चाहे ये लॉक तुम्हारे घर का हो, तिजोरी का हो, जेल का हो या किसी भी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का लॉक ही क्यों ना हो, वो हर लॉक को आसानी के साथ खोल सकता था। उसकी काबिलियत को देख के, उसके टैलेंट को देख के, उसके दिमाग को देख के आसपास के सभी लोग हैरान थे कि आखिर उसमें इतनी महारत, आखिर उसमें इतनी काबिलियत कहां से आई कि वो किसी भी किस्म के लॉक को आसानी के साथ खोल लेता है। उसकी इसी महारत और काबिलियत को देखते हुए लोगों ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और इवेंट में उसे बुलाया गया और सबके सामने उसे एक चैलेंज दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था, उससे कहा गया कि हम आपको एक चैम्बर में बंद कर देंगे, चैम्बर को बाहर से लॉक कर देंगे और इस चैम्बर को फिर स्विमिंग पूल में डाला जाएगा और आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आपको चैम्बर का लॉक खोलकर बाहर आना है। अगर आप बाहर आ गए तो यहाँ पे मौजूद तमाम लोग आपकी काबिलियत को मान लेंगे और आपको कितना टैलेंट हो इस चीज को हर कोई इंसान जान लेगा। अगर दूसरी चीज, अगर आप लॉक को नहीं खोल पाए या आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी पानी में सांस लेने की, तो बाजू में इमरजेंसी बेल है, आप उसे दबाकर अपनी हार मान सकते हो। तो लोगों की ये बात सुनने के बाद उस पर्सन ने कहा कि मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। उसने लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसे चैम्बर में डाला गया, चैम्बर को बाहर से लॉक किया गया, फिर उसी चैम्बर को स्विमिंग पूल में डाला गया और उसके बाद टाइमर को स्टार्ट कर दिया। इस इवेंट में बहुत से दूर से दूर से लोग आए थे और यहां पे देखने के लिए क्या वाकई इसमें इतना टैलेंट है कि ये चैम्बर के लॉक को पानी में खोल सकता है और बाहर आ सकता है। कुछ लोगों का ये यकीन था कि ये बंदा ये काम कर जाएगा, ये बंदा ये काम कर सकता है। तो वो सभी लोग अपने कैमरे को ऑन करके रखे थे कि जब ये लॉक खोलकर ऊपर आएगा तो हम सारी दुनिया को दिखाएंगे कि ये वो महान शख्स है जो किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकता है। अब क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही चैम्बर को पानी में उतारा गया, आज की हालात डिफरेंट है, आज उसकी कंडीशन डिफरेंट है, क्योंकि उसे पानी में रहना है, सांस भी लेना है और लॉक को भी खोलना है। बहरहाल टाइमर स्टार्ट हुआ, सेकंड स्टार्ट हो गए और उसने लॉक को खोलना स्टार्ट किया। लॉक को काफी टाइम गुजरने के बाद वो लॉक को ना खोल सका। उसने अपनी जिंदगी की तमाम महारत, तमाम ट्रिक को आजमाया, लेकिन फिर भी वो उस लॉक को ना खोल सका। लोग परेशान थे कि इतना सेकेंड जाने के बावजूद भी वो लॉक को क्यों ना खोल सका, मगर क्या करें, वो लॉक को आखिरकार ना खोल सका और पानी में रहने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी और उसने इमरजेंसी बेल को दबाकर अपनी हार मान ली। जब वो चैम्बर से बाहर आया तो वो अपने आप को अजीब नजरों से देख रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या सोच रहा था, अपने आप को एक हारा हुआ इंसान समझ रहा था।
अपने आप को वो हारा हुआ इंसान समझ रहा था और सोच रहा था कि मैं लोगों से नजरें कैसे मिलाऊं। जो लोग मुझ पर इतना भरोसा करते थे कि मैं लॉक को खोल लूंगा, मैं इन लोगों से अपनी नजरें कैसे मिलाऊं। वो इसी सोच में था और अपने बदन को आराम देने के लिए उसने चैम्बर के दरवाजे से टेक लगाया। जैसे ही चैम्बर के दरवाजे से टेक लगाया तो दरवाजा एक बैग खुल गया। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, वो इस चीज को देख के हैरान हो गया कि चैम्बर का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। तो उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचा कि ये चैम्बर लॉक था ही नहीं। जो चैम्बर लॉक नहीं था उसे खोलने की मैंने कितना कोशिश की, और आखिर में क्या हुआ, जब चैम्बर लॉक ही नहीं है, जब चैम्बर लॉक ही नहीं है तो खुलेगा कैसे। तो उसने सोचा कि मैंने अपनी सारी एफर्ट्स, मैंने अपना सारा टैलेंट, अपना सारा दिमाग चैम्बर के लॉक को खोलने में लगा दिया। मैंने दिमाग का 1% हिस्सा भी ये नहीं सोचा कि अगर लॉक नहीं खुल रहा है तो हो सकता है लॉक कभी हो ही ना, या लॉक लगा ही ना हो इसलिए लॉक नहीं खुल रहे हैं। तो यहां पे हमें एक बात सीखने को मिलती है, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जिंदगी का जो सॉल्यूशन वो बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप में सोचने की क्षमता नहीं है, अगर आप में कुछ देर ठहर कर उस चीज के बारे में गौर करने की काबिलियत नहीं है तो वो आसान काम भी आपके लिए मुश्किल बन जाता है। आप कितने ही टैलेंटेड हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ देर ठहर कर उस चीज के बारे में गौर से सोचते हो तो आपकी टैलेंट आपको काम आएगी, आपकी महारत आपको काम आएगी। अब जरा इसी पर्सन की एग्जांपल लो, ये बंदा चैम्बर खोलने में एक्सपर्ट था, ये बंदा लॉक खोलने में एक्सपर्ट था, लेकिन क्या हुआ, इसका सारा ध्यान, इसका सारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ लॉक खोलने में था। इसने अपने दिमाग पे जरा भी जोर नहीं डाला कि अगर लॉक नहीं खुल रहा है तो हो सकता है लॉक को कभी लॉक ही ना किया गया हो, या पहले से वो खुला हुआ हो इसलिए शायद मैं इसे नहीं खोल पा रहा हूं। मगर प्यारे दोस्तों, जिंदगी में एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप कुछ ना करो वही अच्छा होता है, क्योंकि आज का ट्रेंड है, आज आपने हर जगह पढ़े होंगे, आपने आज हर वीडियो में देखे होंगे, अपने आप को बिजी रखो, अपने दिमाग को बिजी रखो। बिजी रखना एक बहुत बड़ी बात हो गई, अगर आप बिजी हो तो आप बहुत बड़े इंसान हो, अगर आप बिजी हो तो आप बहुत अच्छे हो। मींस के हर जगह देखोगे हर कोई कहता है बिजी रहो बिजी रहो बिजी रहो। बिजी रहना एक ट्रेंड बन गया है, इसमें पब्लिक का स्वैग है, पब्लिक को ऐसा लगता है कि अगर हम बिजी रहेंगे तो इससे हमारे रेपुटेशन, हमारे इज्जत सोसाइटी में बढ़ जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जितने भी लोग बड़े बड़े मकाम पर हैं, जिनका बड़ा स्टार्टअप है, उनकी एज 20 साल से कम थी, आज जितने भी 20 साल से कम के लोग हैं वही कुछ बेटर सोच सकते हैं, क्योंकि 20 साल के अंदर जिनकी सोच होती है वो बिजी नहीं होते, और बिजी नहीं होते तो वो अच्छा सोच सकते हैं। इसी पर्सन की तरह ये इंसान बिजी था चैम्बर के लॉक खोलने में, इसका दिमाग बिजी था, अगर इसने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स दिया होता तो शायद ये लॉक को खोल लिया होता। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कुछ ना करना ही सॉल्यूशन होता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि जिंदगी में बहुत से सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना करना ही अच्छा होता है। तो उस टाइम आपको समझना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, मेरा कुछ ना करना मेरा सबसे बड़ा रिएक्शन है। तो अपने आप को समझो, अपने आप को बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, और अपने मकसद को आगे बढ़ने के लिए इत्मीनान से ठहर से अपने जिंदगी के बारे में सोचो। तो प्यारे दोस्तों, ये शॉर्ट स्टोरी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है,
अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से उसकी जिंदगी की सोच बदल जाए, वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगे, या वो ऐसे मकाम पर हो जहां पर वो नहीं सोच सकता, तो ये वीडियो उसकी मदद करेगी। इसी तरह हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर आएंगे। जब तक का आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सकें।